तो दोस्तों हमारा आलू सोजन का सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गया। और दोस्तों जा रहे हैं हम खाने, और इसका जो तरी है ना दोस्तों एकदम मछली की तरह लगेगा, इतना मस्त। हेलो दोस्तों, आज बनेगा हमारे घर में सोजन का सब्जी, और इसको मसाला पीस के बनाइएगा पीला सरसों रख के, तो बिल्कुल मछली की तरह बनेगा। और दोस्तों इसको वैसे ही मसाला पीस के ही बनाना है तो बनेगा दोस्तों मजेदार, नहीं तो फिर खराब बनेगा तो हमें नहीं कहिएगा। इसको राई रख के तब पीसिएगा, बिल्कुल मछली की तरह बनेगा दोस्तों, राई और लहसुन, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज आपके बीच सोहजन का रेसिपी लाए हैं, तो आप लोग कृपया सपोर्ट दें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और ये सोहजन 80 रुपये किलो हरियाणा में दोस्तों, और आप लोग के इधर कितने रुपये है जरूर कमेंट में बताएं फटाफट। हेलो दोस्तों, कल बनेगा हमारे घर में सोहजन का सब्जी, और देखिए जा रहे हैं मैडम छीलने के लिए इसको, ये पूरा छिलका छील के कटिंग करके तब बनेगा। दोस्तों इसको सही से बनाइएगा तो मछली भी फेल है, समझे दोस्तों? तो बनाइए और खाइए, देखिए कैसे बनता है। कल का रेसिपी यही रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे पिसा रहा है सोहजन का मसाला, बिल्कुल मैं ही कर देना इसको दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारे घर बनने का सोजन और आलू की सब्जी, और दोस्तों इस तरीके से बनाइएगा तो ये मछली को भी फेल कर देगा, जैसे हम लोग गोल्डन मछली खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। देखिए, और इसको छिलका ये उतार दिया जाता है, कैसे उतारते देखिए, ये पूरा दोस्तों ये छिलका पूरा चारों साइड से उतार दिया जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। और देखिए आगे कैसे ये बनता है दोस्तों। हमारा ये सोजन का मसाला पीस के तैयार हो गया है, राई और लहसुन है दोस्तों इसमें, बिल्कुल मछली की तरह बनेगा, इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। इसको बिल्कुल ब्रिक कर लीजिएगा, और दोस्तों आलू को चार फांक काट लेना है, इसको चार फांक थोड़ा मोटे मोटे करके काट लेना है, और खोइया समेत। देखिए हमारा फोसू, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसमें राई रख देना है तेल गरम करके, जब धुआं छोड़ने लगे तब रखना है आलू। थोड़ा सा देर बाद सोजन, दोस्तों ये आधा किलो सोजन आए थे, 80 रुपये किलो दिया है, ये पूरा भूज जाएगा, उसके बाद मसाला डालना है। उसके बाद ये पूरा मिला लेना है, उसको झांप देना है। ये टमाटर बाद में, टमाटर बाद में है? इसके बाद नमक, बाकी तो सब मसाला दोस्तों आप लोगों को पता ही है कौन कौन डालना है, डाल दीजिएगा, बनाइए मछली की तरह खाइए, खुशबू तो बहुत आ रहा है दोस्तों। तो टमाटर डाल के भूज जाना बिल्कुल अच्छी तरह से, झांप देना, झांप दीजिए इसके बाद दोस्तों फटाफट जाम जल्दी। हेलो दोस्तों, ये जब ये अच्छी तरह से भूज जाए तभी पानी डालना है, और नहीं तो पानी डाल दीजिएगा तो स्वाद नहीं बनेगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसको जब भूज जाए पूरा अच्छी तरह से पक जाए मसाला तभी पानी डालना है, डाल दे पुष्पा, ठीक है दोस्तों। देखिए डाल रहे हैं पानी, डाल गया दोस्तों पानी, ठीक है दोस्तों। अब ये बन जाता है तब बताते हैं कि इसको खाया कैसे जाता है दोस्तों, ये बिहार वाले लोग तो खा लेंगे लेकिन इधर उधर वाले नहीं खा पाएंगे ना, यहाँ वाले फुल्ली। हाँ, इसका फुल्ली खाते हैं जो यहाँ वाले पंजाब हरियाणा साइड वाले, इसको फुल्ली खाते हैं। तो दोस्तों हमारा आलू सोजन का सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गया, और दोस्तों जा रहे हैं हम खाने, और इसका जो तरी है ना दोस्तों एकदम मछली की तरह लगेगा, इतना मस्त बनता है ये सब्जी, आप लोग बना के एक बार जरूर देखिए और खाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हमारा सोजन का सब्जी और रोटी बन के आ गया खाने के लिए, और देखो दोस्तों इसको चबा के ना बस फेंक देना होता है, स्वाद बहुत मजा लगता है खाने में, ठीक है दोस्तों। दिखाते हैं कैसे खाया जाए,
ये दोस्तों हमारा सब्जी बनकर तैयार, हमारे लड्डू अभी आ गया है सोजन की सब्जी खाने। कब ये देखो इसको फेंक देना होता है।